करने के लिए मुनक्किद की गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा जमात है और हम समझते हैं कि हम किसी भी हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, आवाम का जो इशू है वो अरबाब इख्तियार पॉलिसी साजिदारों और वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान वज़ीर आला तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं आपके गोश गुजार करूँ कि 31 अगस्त 2020 को लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ख़त्म हुआ और आज 10 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं और 10 माह से सिंध के तमाम अज़ला में खुसूसी तौर पर शहरी सिंध में कराची, हैदराबाद, नीपुखास, सक्खर, नवाबशाह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में तैनात है कि जो ना सिर्फ इंतजामी लिहाज से मजबूत हैं बल्कि बावसाइल भी हैं और हुकूमत के बराए रास्त नुमाइंदे हैं। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 10 माह और ख़ुसूसी तौर पर ये जो इस 2 हफ्ते की कारकर्दगी है जिसमें अभी बारिशें शुरू भी नहीं हुई और कराची ईद उल अज़हा से कबल कचरे, गटर और पानी का ढेर बन चुका है। 10 माह एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के बावजूद कराची का सीवरेज सिस्टम किसी एक इलाके का भी अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। मुत्तहिदा के मेयर से आपकी दुश्मनी समझ आती है लेकिन कराची के लोगों से आपकी दुश्मनी समझ नहीं आती। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके हैं और आप अपना कोई चहीता सियासी एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाने का सोच रहे हैं तो फिर कराची के काम क्यों नहीं हो रहे? ना सिर्फ ये पानी खड़ा है बल्कि इस पानी खड़े होने से इस 15 दिन में पहली हलाकत हो चुकी है और जिस बाप की हलाकत हुई है उसकी मौत के 10 मिनट बाद उसकी अहलिया ने उसके बच्चे को जन्म दिया। जहां पर सिंध हुकूमत शदीद तरीन मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है वहीं पर के इलेक्ट्रिक की बेगैरती और बेहसी भी उरूज पर। अरबों रुपए लगने के बावजूद भी आज भी हमारे पोलों में करंट दौड़ता है, आज भी खड़े हुए पानी के ऊपर कोई पता नहीं मैं हूँ, आप हों, आम आदमी हो, उस पानी में अनजाने करंट से कभी भी हलाक हो सकता है। और बजाय इस पे कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कोई नोटिस ले, कराची में इंसान का मरना एक अमूमी सी बात हो गई, एक आम सी बात हो गई है कि लोग यहाँ मोबाइल छीनते हुए मरें, लोग यहाँ बारिशों में मर जाएं, लोग यहाँ हीट वेव से मर जाएं, किसी के कान पे जूं नहीं रही थी। फिर न सिर्फ ये मुतासिब एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में जो कि मेरे जाहिल हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात, सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है हुकूमत ने, एडवोकेट जनरल सिंध ने रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जाहिल हैं। उन्हें पता ही क्या, और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये भेड़ चाल का शिकार हैं। तो एक तो इस शहर के ऊपर गैर मकामी जाहिल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हैं, ऊपर से 10 माह के अंदर इस शहर की हालत पिछले बलदियाती निज़ाम से और ज़्यादा बदतरीन हो गई। फिर दूसरा माशी कत्लेआम इस कराची के बेटों का ये हो रहा है और जब मैं कराची के बेटों की बात कर रहा है मेहरबानी, ये अभी हुकूमत के शतुंगड़े जो है ना वो कहेंगे लिसानी बात कर रहा है,
भाई कराची के बेटों में कराची के सिंधी, पख्तून, बलोच, पंजाबी, मुहाजर सब हैं। तो ये लसानियत की बात नहीं, इंतज़ामी बात कि तुमने यहाँ शहर के बच्चों को बेरोज़गार करने के लिए चलो जाली डोमेसाइल तो बनाए बनाए, बेशर्म किस्म के लोग नादरा में भर्ती हुए जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाए और उनमें से 60-70% लोगों का ताल्लुक सिंध से, जाली डोमिसाइल बनाने वाले का ताल्लुक सिंध से, सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड के नाम के ऊपर हमारे अफसरान की हक तलफी कर कर, हमारे मुलाजमीन की हक तलफी करके अपने गांव गोटों से लोग लाके बसा रहे हो, तो ये ज्यादती भी सिंध से। और जब हम इन बातों को हाईलाइट करके कहते हैं कि कराची और सिंध, तो तुम्हें आग लग जाती है। ऐसे ही है ना, कराची अलग है, सिंध अलग है, खुद की है। कराची के अफसर नहीं है ना, सिंध के अफसर लगे हैं। कराची का पैसा कराची पे नहीं लग रहा है ना, सिंध पे लग रहा है। कराची के दाखिले, कराची के डॉक्टर्स आज तड़प रहे हैं ना, कराची के लोग करंट से मर रहे हैं, कराची के लोग कचरे के ढेर में, कराची के लोग सेवरेज की बदबू में, कराची के लोग पानी की कमी से प्यासे हैं। ये जितने हम एमपीएस बैठे हैं बशमूल हमारी इत्तेहादी जमात के जबरदस्ती मुसल्लत एमपीएस के, सबके इलाकों में पानी की आहो बकार चल रही है। बूंद बूंद को लोग तरस गए, ईद उल अजहा सर पर है। गर्मी इस वक्त शदीद तरीन गर्मी, पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुझे याद है जब शर्जील मेमन साहब वजीरे बल्दियात थे तो कहते थे हब डैम खाली है, अब तो डिफेंस वाले पूछते हैं कि समंदर शुरू कहां से होता है। हब डैम भी भर गए, पानी घरों में भर गया लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। अब कौन सा हब डैम और भरे, अब तो वो अपनी सतह से बुलंद हो चुका है लेकिन नलकों में पानी नहीं। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, 10 माह से है कोई जवाब? वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात, वजीर बल्दियात, वजीर तालीम, वजीर आला सिंध, ईमानदारी से अगर कोई जवाब है तो बताएं, बजाइए कि उल्टे सीधे लतीफेबाजी करने के, संजीदा जवाब दें। रिपोर्टर साहब से, मैं रिपोर्टर साहब हजरात से गुजारिश करूंगा, हुकूमत से इन सवाल का जवाब है ना 10 माह के। हमें तो 4 साल आप कहते रहे कि आपके पास इख्तियार हैं, इख्तियार हैं, बड़े इख्तियार हैं भाई। चलो अब ये इख्तियार तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, तुम्हारे डीसी के पास हैं, क्या मौत पड़ गई है कि कराची में काम नहीं हो रहा? फिर ये लतीफे देखो यार, ये कैसे पूरी क्यादत देना, अजीब लतीफेबाजी करते हैं। महकमा मौसमियात को कोसरे हमें बताया नहीं, बारिश होने वाली है, हमें बताया नहीं हम लोगों ने, ये लीडरशिप करी, हमें बताया नहीं महकमा मौसमियात कि बारिश होने वाली है, वरना हम जो ना 2-4 नाले साफ कर लेते। हंसी निकल जाए इनके बयान पर। वो एक वजीर कह रहा है हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर को कि इनके दिमाग का मुआयना कराएं। अबे तुमसे भाई काम की बात पूछ रहे हैं, तुम हमारे दिमाग का मुआयना करा रहे हो? हम करा लेंगे अपने दिमाग का मुआयना, तुम अपनी कारकर्दगी के जवाब दो कि तुमने इस शहर में क्या किया। तुमसे सवाल हम अपने दिमाग का नहीं कर रहे, हम तुमसे सवाल तुम्हारे दिमागी फितूर का कर रहे हैं, वो जिसको उस कैसे निकाला जाए। फिर एमएनएस के फंड से काम हो रहा है वफाकी हुकूमत के, सीने पर सांप लौट रहे हैं वजीर आला सिंध समेत सारे बुजुर्ग कि ये क्या सेवरेज का काम है? 40 साल से तुम्हारी हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ रोटी भी शॉर्ट हो गई, जिसमों में से कपड़े भी उतर गए, बरहना हो गया सिंध, और मकान तुम्हारे दुबई और लंदन और अमेरिका में बढ़ते ही चले गए। अगर वफाकी हुकूमत से हम पैसे लेकर आए हैं तो हम काम कर रहे हैं, हम सेवरेज का काम कर रहे हैं गलियों, क्योंकि हमें पता तुम काम नहीं करोगे, तुम कराची को उजाड़ दोगे। फिर एक और, एक तक 4 ग्रेड अखबार में इश्तिहार आ चुका है, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि एमपीए, एमएनए, वजीर आला के नुमाइंदे पैसे मांग रहे हैं।
पूरे सूबे में। लाओ भाई 3 लाख रुपए दो, एक तक 4 ग्रेड की नौकरियां ले लो। मैं सिंध के बाशिंदों से, ख़ास तौर पे शहरी सिंध के लोगों से कहना चाहता हूँ, खुदारा यहाँ कलाल की कमाई है, इन लुटेरों डाकुओं को ना दें। रोज़गार का अल्लाह ने वादा किया है, इन डाकुओं ने नहीं। आपको मेरिट पर जॉब मिलेगी, आप मेरिट पर जॉब लीजिएगा, बगैर पैसे के जॉब लीजिएगा। जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने अदवार में ऐसा निज़ाम कायम रखती है कि मेरिट पर सबको फ्री में जॉब दे, और फिर इस सूबे में अभी बजट पेश किया वज़ीर आला सिंध ने, हमारे ही पैसों से जो 300 अरब रुपए सालाना कराची से लेते हैं, 20 अरब रुपए की ओजीटी विफाक से लेते हैं, हमारे ही पैसे से हम ही पे घुर रहा है। 350 अरब रुपए लेकर इस शहर के अंदर पीने का पानी, कचरा, सीवरेज का अगर मसला है तो ये वजारतें भी पिछले 15 साल से इनके पास है। और फिर कायदीन का बयान सुन लो, मुझे सिंध में 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है। सुना होगा आपने ये बयान, में हंसी निकल गई खबर देखकर, कहने मुझे 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है सिंध में। लीडरशिप की तरफ से बयान आ गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख़ास तौर पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को इस नुक्ते नज़र पे कायल करने की कोशिश करती है कि आपके काम शराफत से नहीं होंगे। आप वाटर बोर्ड को कंप्लेंट कर रहे हैं, आप सर्विस बुक कंप्लेंट कर रहे हैं, आप एमडी के पास जा रहे हैं, एमडी वाटर बोर्ड कराची के नुमाइंदों का फ़ोन ही नहीं उठाते। उनको व्हाट्सएप करें, उनको अप्लीकेशनें दें, कोई इतने बड़े चिकने घड़े हैं वो, हालांकि अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं शायद निज़ाम में रहते हुए सब चिकने घड़े जैसे हो जाते हैं, वैसे एमडी वाटर बोर्ड भी हो गए। एक और अहम तरीन खबर जो इसी महीने की है, अभी कल की खबर है, कि सिंध हुकूमत जनाब 4 अस्पताल केएमसी के ले रही है। अब अगर ये शतोंगड़े दोबारा आगे से कहें कि गंबट इंस्टीट्यूट बनाया है, तो फिर उस मुल्क का नाम मिलें जिसने पैसा दिया है। फिर ये कहें चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन चौरंगी बनाया तो जापान का नाम लें, NICVD बनाया तो फिलंथ्रोपिस्ट का नाम लें, और उसमें बताएं कि नैब के केस क्यों चल रहे हैं। और अगर इसी तरीके से इंडस का नाम ले रहे हैं, इंडस का नाम तो शर्म से लेना ही नहीं चाहिए, इसी तरीके से SIUT का नाम लेना नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, जहाँ पर आज तक जरदारी साहब, बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब और उनके कोई भांजे भतीजे चाचे मामे कभी नहीं गए होंगे, देखा भी नहीं होगा। अपने अस्पतालों की कारकर्दगी बताओ। मेरे शहर के 20 अरब रुपए दो ना मुझे OCT के, हम अपने अस्पताल चला लेंगे। हमारे शहर के 300 अरब रुपए में से हमारा हिस्सा दो, हम अपने अस्पताल, तालीमी इदारे चला लेंगे। कल की खबर है ये काबीना आज कोई फैसला करने जा रही है। हो गया। मैं मुराद अली शाह साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम इसकी मजामत करेंगे। अच्छा, अब ये मसला ये भी है कि मजामत करेंगे तो वो ये समझते हैं कि जनाब मजामत का मतलब फसाद है। नहीं, आपका वो सिंधु देश वाली मजामत नहीं करेंगे, हम जमहूरी मजामत करेंगे, और लोगों को हम इस पर कायल करेंगे कि आपको शर्म दिलाने के लिए आपके CM हाउस के आगे भी हम धरना दें। अजीब सूरत हाल है, ना सिंध में लीडर निकल रहा है, ना पेट्रोल निकल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना नलकों से पानी निकल रहा है, बस गरीब का पसीना निकल रहा है या दम निकल रहा है, या गोला गंडे वाले, समोसे वाले, पकौड़े वालों के फेक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। आबादियां तोड़ी जा रही हैं, नाले पे दुकानें, आधा कराची तोड़ने की तैयारी हो रही है।
कदीम तरीन जुबली मार्केट, कदीम तरीन धोबी घाट के इलाके, लियारी के इलाके, न्यू कराची के इलाके, उनको तोड़ने की तैयारी हो रही है। कुरंगी, क्या जी ये गैर कानूनी? तो ये औरंगी टाउन पाकिस्तान बनने के बाद से आबाद है, जिसको यहाँ की करप्ट सियासी इंतज़ामिया ने आज तक उसे गैर कानूनी रखा हुआ है। और अगर ये एडवोकेट जनरल सिंह और ये जो अमला जो ना अदालतों में पेश होते हैं, ना अटॉर्नी जनरल विफाक से पेश होता है, वो भी इत्तेफाक से सिंह का चहिता लग गया है, तो ये अपनी सीटों से इस्तीफे दे। एडवोकेट जनरल है जो मुराद अली शाह साहब, उसे अवाम की दिफा के लिए नहीं भेजते, अवाम के दिफा के लिए हमारे पैसों का एडवोकेट जनरल और उसकी दो दर्जन टीम कहां है? हमारे पैसों का अटॉर्नी जनरल विफाक में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा दिफा क्यों नहीं करता? या तो फिर तय कर ले, अदालत ने बम मारने का हुक्म दे दिया, तो फिर कराची में एक ही दफा में बम मार दें, कर दें बमबारी भाई। जरदारी साहब और बिलावल साहब के महलों को छोड़ के पूरा कराची को आग लगा दें। ताजिर परेशान, पिछले कोरोना से कर्जदार हो गए, आज वो बैठे में अपनी मदद आपके दर दुकानें बना के, तो उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है पूरी मशीनरी, लोगों को बेघर करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है आपको कि मुतबादिल ना दो? जुल्फकार आबाद बनाने के लिए आपको बड़ी स्पीड दिखाई आपने, ये पूरा मली डबल आप डगार गए, आपने कहीं किसी को सिवाय अपने जियालों को और अपनी अपने माने गुजरा के रिश्तेदारों को प्लॉट देने के, आपने किसी गरीब की तो कोई मदद नहीं की। यह हॉक्स पे टाउन पूरा आपने सफा चट कर दिया, तो इन गरीबों को मुतबादल देना। और फिर यहाँ पर मैं जहाँ सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ, वहाँ पर हमारे पास कुछ शिकवे चार्जशीट विफाक से भी, लेकिन पहले दो चीज़ें ज़रूर। वजारत तालीम, नाम लेके कह रहा हूँ, सईद गनी साहब, अपनी ज़ात में अपने आप को बड़ा ग्रास रूट वर्कर और ज्याला और कारकुनों कराची का कहते हैं, सईद गनी साहब मैट्रिक का पर्चा आउट कैसे हुआ? निसार घोड़ो साहब मैट्रिक का पर्चा आउट कैसे हुआ? तीन तीन घंटे लेट कैसे हुआ? तीन तीन घंटे पर्चा लेट कैसे हुआ? ये स्कूलों कॉलेजों में किताबें नकल हो रही हैं। वो वजीरे बल्दियात की सादगी देखो, कह रहे व्हाट्सएप पे पर्चा आया, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपकी है, इसको कौन बना? कोई ट्वीट करवाता है, लतीफे लिख के देता है, ये खुद तो नहीं पढ़ते होंगे मेरे अगले अपना ट्विटर ना, ये अपना ट्विटर खुद भी पढ़े ना नासिर शाह साहब, ईमान से दो दो घंटे ऐसे ही है, कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत एनजीएम के पास है तो व्हाट्सएप पर पर्चा आया, व्हाट्सएप को पकड़ लो। बेड़ा गर्क हो गया सिंध में तालीम का। सही करें तो मैं एक स्कूल दिखा दो मुझे कराची में, एक स्कूल जहाँ जीने और मरने की सहूलत। अच्छा भाई, हमारे हलकों में छोड़ो, अपने हलके में दिखा दो यार, चलते हैं पूरा मीडिया लेके चलते हैं, जहाँ चौकीदार हो, बच्चियों के लिए पानी हो, किताबें हो, साफ सुथरा फर्नीचर हो, सेवरेज का निज़ाम ना हो, खेल कूद की फैसिलिटी होगी इसकी। फिर दूसरी अहम तरीन बात यह कि अभी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी है, रात को असातिज़ा को बंद करके 3 बजे निसार कोड़ो साहब सईद गनी साहब की ईमा पर वहाँ पर कराची के मकामी बाशिंदों को हरासा किया गया है, डराया गया है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, एमकेएम मज़ाहमती सियासत नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को हम अपने घर में घुसने देंगे। सब अपनी एहतराम करें, एहतराम करवाएं, सबको अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए, सियासत के ऊपर लिसानियत का फसाद मत बोएं। अगर किसी जगह पे कोई महाजिर तैनात हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लावारिस हो गया है,
ये बहुत खौफनाक इत्तला है कि रात को पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करके प्रोफेसर्स को धमकियां दी गई, वाइस चांसलर को धमकियां दी, उनको जान से मारने की धमकियां दी। हमारे पास वहां से इत्तला है। तो मैं एक बात जो विफाकी हुकूमत से राबता कमेटी की जानिब से और कन्वीनियर पार्टी की जानिब से कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं और अचानक ठीक ठाक प्राइस बढ़ गए हैं। वजीर आजम साहब, हम आपके इत्तेहादी हैं, लोग हमसे कह रहे हैं हुकूमत पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम पहले 3 दफ़ा पेट्रोल पे एहतजाज करके हुकूमत से बाहर आ चुके हैं। पहले 3 दफ़ा हम पेट्रोल के ऊपर ही हुकूमत से एहतजाज करके बाहर आ चुके हैं। यह हमारा एक रिकॉर्ड पर माजी है, पीपल्स पार्टी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसका मतलब है अब तो जहर और कफन की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब जहर खाने भी जाएंगे आप तो उसको भी पेट्रोल की वजह से कीमत बढ़ जाएगी, उसकी कफन भी बढ़ जाएगा। तो खुदारा, हम आपके इत्तेहादी हैं और कराची एक माशी हब है जो पूरे मुल्क को एक रेवेन्यू देता है, यहाँ के ताजिर बहुत परेशान हैं, इसका कोई मुतबादल हल निकालें, इस फैसले को वापस लें।